यूपी के बुलंदशहर में शराब के नशे में धुत एक युवक द्वारा हंगामा करने पर लोगों ने युवक के घर में घुसकर पीट पीट कर हत्या कर दी। जी हां, घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए यह युवक। घटना नगर कोतवाली इलाके के कृष्णा नगर मोहल्ले की है। भीड़ द्वारा युवक की पीट पीट कर हत्या किए जाने के बाद पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीरें बुलंदशहर के रहने वाले 22 साल के युवक शिवम की है। दरअसल शिवम शराब पीने का आदी था। पुलिस की माने तो शिवम ने शराब के नशे में कल कुछ लोगों पर पत्थर फेंक दिया था, जिसको लेकर उत्पन्न हुए विवाद के बाद आज सुबह लोगों की भीड़ ने शिवम के घर पर धावा बोल दिया और शिवम को घर में घुसकर डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। शिवम की हत्या के बाद हमलावर फरार हो गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है। सर, कृष्णा नगर में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है, क्या ये पूरा मामला अब तक की प्रारंभिक जांच में क्या निकल के कुछ सामने आया है? अभी शुभम नाम का एक लड़का है, जिसे नजेड़ी और जगड़ालू प्रवृत्ति का बताया गया। इसने कल भी कुछ लोगों को पत्थर वगैरह मारे थे, आज भी इसने पत्थर मारे हैं और मारने के बाद दो परिवारों में आपस में झगड़ा हुआ है, उसके बाद इसकी डेथ हो गई है। प्रथम दृष्टया ये बातें अभी तक प्रकाश में आई हैं, लेकिन अभी मृतक के घर वाले नहीं आए हैं। विस्तृत जांच की जा रही है कि कौन कौन लोग इस तरह की घटना में शामिल थे और इस घटना के पीछे कारण क्या क्या थे, जो उसकी विस्तृत जांच करके और जांच उपरांत जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ है जो आप ये शव गिरे पे हैं? मेरा जो ये भाई है, सगा भाई है मेरा छोटा, कल इसके साथ मारपीट हुई। पहले मारपीट करी गई, मारपीट करने के बाद इसको दोबारा से इसी के ऊपर FIR बना के डाल दी गई। मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, नोएडा रहता हूँ। इसके अलावा पुलिस वालों ने पैसे वैसे खा के मुझे नहीं पता क्या करा, पर पैसे खाए गए और पैसे खाने के बाद जो है इसके नाम पे FIR लॉन्च करी गई। इसके साथ साथ मेरा नाम भी लिखा गया, जबकि मैं नोएडा में रहता हूँ। मेरे पास CCTV फुटेज है नोएडा की, जहाँ मैं रहता हूँ। इन सब के बावजूद भी यहाँ पे मेरा नाम FIR में दर्ज करा गया। उसके बाद मेरी माँ को रोजाना रात को शाम को आगे कल गाली गलौज मारपीट करने पे उतारू हो गए वो लोग। मैंने पापा को अपने यहाँ से भेज दिया घर से। पता चली है कि रात को मेरा भाई जो है छोटा वाला, ये घर पे था, घर में से इसे निकाला और निकालने के बाद इसको पीट पीट के मार डाला। अब पुलिस जवाब की कार्रवाई कुछ ही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई कार्रवाई का नाम नहीं है। ये लोग पैसे खाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारा जो तंत्र है पूरा इकोसिस्टम, वो खराब हो चुका है। सीधी सी बात है, जो हमारे साथ हुआ वो कल किसी और के साथ भी होगा, क्योंकि इन लोगों को पैसे भरने के अलावा कोई और कुछ नहीं है जिंदगी में। इनमें जिंदगी में पैसे कमाने के अलावा इनका कोई और मोटिव है। मेरा भाई मरा है, कोई फर्क नहीं है, इनका मरेगा तो वही वाली बात, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।